होती है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने FIR करा दिया, सारी वारदातें सामने आ गई, और हमारे से छोटे छोटे कार्यकर्ता जब हमसे पूछता है तो हमको बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिसका जवाब। आज जिस तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया था और उसको मैंने भी देखा है, बाकी पूरे प्रदेश में इस ट्वीट का उल्लेख किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े नेताओं ने इस चीज़ का विरोध किया कि ये मध्य प्रदेश का है ही नहीं, और मेरा ट्वीट करने का तात्पर्य यह था कि यदि हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बिग लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, यदि वो चीज को कोई ट्वीट कर रहे हैं तो उसका प्रमाण भी साथ में होना चाहिए। तो मैंने यही बात कही अपने ट्वीट के माध्यम से कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इसका पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने FIR करा दिया, सारी वारदातें सामने आ गई, और हमारे से छोटे छोटे कार्यकर्ता जब हमसे पूछता है तो हमको बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के माध्यम से मैंने ये पूछा है कि यदि अपने पास प्रमाण है तो हम प्रमाण प्रस्तुत करें ताकि हम भी फ्रंट में आके बीजेपी से लड़ सकें। आज जिस तरीके से माननीय दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया था और उसको मैंने भी देखा है, बाकी पूरे प्रदेश में इस ट्वीट का उल्लेख किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े नेताओं ने इस चीज़ का विरोध किया कि ये मध्य प्रदेश का है ही नहीं, और मेरा ट्वीट करने का तात्पर्य यह था कि यदि हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बिग लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, यदि वो चीज़ को कोई ट्वीट कर रहे हैं तो उसका प्रमाण भी साथ में होना चाहिए। तो मैंने यही बात कही अपने ट्वीट के माध्यम से कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इसका पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। तो जिस तरीके से बीजेपी ने FIR करा दिया, सारी वारदातें सामने आ गई, और हमारे से छोटे छोटे कार्यकर्ता जब हमसे पूछता है तो हमको बहुत सारी तकलीफें होती हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट के माध्यम से मैंने ये पूछा है कि यदि अपने पास प्रमाण है तो हम प्रमाण प्रस्तुत करें ताकि हम भी फ्रंट में आके बीजेपी से लड़ सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।